Okay, the guys, Arj here. 25 December, 25th of December. सबसे पहले मैरी क्रिसमस और आज हम फ्लाई करने वाले हैं अपना ड्रोन. आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ड्रोन फ्लाई किया जाए. तो मेरे पास है ये DJI Mavic, एक छोटा सा ड्रोन. तो इसको मैं पहले फ्लाई करने से पहले टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे देखना कि बैटरी वगैरह या सॉफ्टवेयर वगैरह सब अप टू डेट है कि नहीं है, क्योंकि अगर अप टू डेट नहीं होगा तो ये ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा. तो सबसे पहले इसके ये टांगे वगैरह खोल लेते हैं. तो थरा दो बैटरीज है मेरे पास, तो दोनों फुली चार्ज करके मैंने रखी हुई है जस्ट इन केस. तो इसको यहाँ पर डाल देते हैं, इसको मैं रखता हूँ यहाँ जमीन के ऊपर. उसके बाद आता है गाइस इसका रिमोट कंट्रोल, और इसको यहाँ से ऐसे खोल के, इसको भी ऐसे खोल के, इसके बाद मुझे अपनी फ़ोन कनेक्ट करनी है ऐप के ज़रिए ड्रोन के साथ, ताकि जब ड्रोन उड़ेगा तो मुझे देखना है कि नीचे कौन सा व्यू आ रहा है, राइट. तो उसके लिए आपको कोई भी फ़ोन चलेगा, एंड्रॉयड, iOS, मतलब किसी भी ऐप चलती है. उसके बाद ये कनेक्ट करके इसको पहले मैं ऑन कर देता हूँ. वैसे ये प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस यार, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बट डू नॉट ट्राई दिस. तो गाइस मैंने ऐप ऑन कर लिया है एंड ऑलरेडी सब कुछ एकदम मस्त लग रहा है. मेरा ड्रोन ऑलरेडी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं इसको ऑन नहीं करूंगा बिकॉज दिस कैन बी वेरी डेंजरस. तो आप बिल्कुल भी कमरे के अंदर कभी ड्रोन फ्लाई नहीं करना किसी ने भी. तो यार एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मेरा ड्रोन भी कनेक्टेड है, मेरा रिमोट भी चल रहा है, और बैटरी भी एकदम फुल है, और यहाँ पर भी एकदम बैटरी फुल आ रही है. अगर बैटरी खत्म भी हो जाती है तो मेरे पास एक और, कहाँ गई, एक और स्पेयर बैटरी है और ये भी फुल्ली चार्ज है. Temperature is already 6 degrees, guys. लो जो पेट्रोल के पीपे भी आ गए. Right then, तो ऑलरेडी ठंड हो चुकी है यार, निकलते हैं. लोगे पकड़. तो चलिए गाइज हम बाहर आ चुके हैं, और आज एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ 25th ऑफ दिसंबर है. तो आज इसका मतलब ये है कि सब कुछ बंद है, लिटरली एवरी सिंगल शॉप सब कुछ बंद है. ये यहाँ का मेन रोड है, और इस मेन रोड के ऊपर गाइज एक भी गाड़ी नहीं है, नॉट इवन वन कार अपार्ट फ्रॉम अस. तो पूरा सब कुछ बंद है. ये लेकर एक भूला भटका एक और आया है. तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ गाइज, हम जा रहे हैं कंट्री साइड एरिया में ड्रोन फ्लाई करने के लिए. और आपको पता है मैं अभी घर से निकला हूँ, तो हमारा जो घर है ना, हमारा जो घर है बिल्कुल कंट्री साइड के बीच में है. तो एक माइल कितना होगा लोगी, आई थिंक 1.7 या 2 किलोमीटर हो गया. तो 2 किलोमीटर आप हमारे घर के किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो आपको सारा जंगल ही नजर आएगा. आप सामने देख रहे हो, लोगी दिखा सामने. तो गाइस आप देख रहे हो कि सामने एकदम कंट्री साइड एरिया आ चुका है, एकदम ग्रीनरी है. यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और कोई आता भी नहीं है. यहाँ पर नॉर्मली फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो कि जिनके मतलब कि बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं ना, तो उनके वेयर हाउसेज यहाँ पर होते हैं. तो यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है. और ड्रोन फ्लाई करने के यार यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमें फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसपास कुछ घर ही नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो आई थिंक वी आर फाइन. लगे तो क्या लगता है? हाँ वैसे सही है, यहाँ पे धूप कितनी है यार आज. और गाइज ये दिसंबर का महीना है, और दिसंबर में धूप यहाँ पे एकदम रेयर है, एकदम रेयर होती नहीं, इम्पॉसिबल है. या तो बारिश पड़ रही होगी या तो बर्फ गिर रही होगी, धूप एकदम इम्पॉसिबल. तो आई थिंक वी आर सो लकी. पीछे देख सकते हो ब्लू स्काई, एकदम ब्लू, एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पे, एक भी क्लाउड. दिस इज रियली रियली रेयर. चलिए आपको अपना थोड़ा बहुत जंगल दिखाते हैं, हम कौन से जंगलों में रहते हैं. ड्रोन फ्लाई करने से पहले मुझे एक जगह यहाँ पे याद आई है जिसका नाम है सी वो. ये मेरी फेवरेट जगह. नॉर्मली हम सारे 3-4 दोस्त मिलके ना KFC लेके यहाँ पे आके खाते हैं, क्योंकि एकदम सी एरिया है, बिल्कुल पूरा व्यू है, और यहाँ पे खाने में एकदम पूरा मजा आता है. तो बिल्कुल हमारे सामने ही है, बिल्कुल ये है यहाँ की सी वो, और ये है नॉर्मली हमारी चिल आउट जगह. हम नीचे वहाँ पे स्टूडियो में बैठ कर नॉर्मली ये सारी सीढ़ियाँ भर देते हैं KFC से. और ये है वेल्स, देख लीजिए कितना मस्त जगह यार, एकदम शांति है यहाँ पे. अक्सर यहाँ पे आते हैं हम सुबह करीब 9-10 बजे चिल मारने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि घर के पास ही है ना, करीब फ्रांस है. फ्रांस नहीं है वो मामा. वो देख रहे गाइस, वो एक दूसरे शहर का नाम है जिसका नाम है ब्रिस्टल.
तो जब मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली सुबह सुबह आते हैं चिल मारने के लिए और शाम के टाइम जब फ्री हो गए तो खाना पीना लेके आप यहीं पे आ जाते हैं। वीक में एक दो बार तो पक्का ही होता हमारा। ओह मैन एकदम मस्त जगह। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं ड्रोन फ्लाई करने। यार हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई ये शॉर्टकट है, वैसे रास्ता यार प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है ब्रिज। ओह माय गॉड, अगर उस तरह से कोई गाड़ी आ रही हो तो आपको बीच में फंस जाओगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि वो वहां से हॉर्न बजा देता है तो हमें पता लग जाता है कि वहां से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि मैंने अभी हॉर्न बजाया ना, तो उस तरह कोई गाड़ी खड़ी होगी जिसको पता लग जाएगा कि भाई अंदर गाड़ी अंदर नहीं जाना। राइट, तो आने ही वाले गाइस इस रोड की एंड पे हमारी जो ड्रोन फ्लाइंग की जगह है वो आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वहां पे हमें कोई तंग भी नहीं करेगा। तो लीजिए नींद ही दे। तो गाइस मुझे ये अपनी फोन का कवर भी उतारना पड़ेगा क्योंकि ये कवर के साथ अगर फोन रखता हूँ तो ये फोन इसके अंदर डले ही नहीं, तो मुझे ये कवर उतारना पड़ेगा। तो फोन को मैंने यहाँ पे डालना, इसको हो गई गन लोड एम्युनिशन सारा लोड हो चुका है। इसको गाइस मैंने डालना है यहाँ पर पीछे इसका, और एक इसका जाएगा यहाँ से फोन के अंदर। राइट, तो दैट इज नाउ कनेक्टेड। ग्राम अदियो लॉगी, ठीक है ओके। और इसके एंटीनास भी खोल लेता हूँ और एक बार फिर से ये डॉगी की जाने तो हमारे ड्रोन के पीछे पड़ जाएगा, हमारी गाड़ी के आगे है वो। कोई बात नहीं, रख लेता हूँ। ड्रोन तो ऐसे चला रहे हैं ऐसे दिवाली के पटाखे चला रहे हैं यहाँ पे यार। इसको भी मैंने ऑन कर देना गाइस और अपनी फोन को भी मैंने ऑन कर देना। थारा मेरी DJI की ऐप कहाँ पे ये रही। राइट, तो इसको भी ऑन कर दो। राइट, ये भी ऑन हो गया। हमारा ड्रोन कनेक्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है ये। अरे नो वाई, अरे वो देख कोई और जहाज उड़ा रहा है वो रहा। गाइस आप देख रहे हो एक बंदा जहाज ला रहा है, पुराने जमाने का प्लेन वो, जैसे नोबिता में होता ना। देख भी नहीं रहा है। एनीवे चलिए हम भी शुरू करते हैं। यार ऑलरेडी जो है 15 मिनट की फ्लाइट के बाद बैटरी लो बैटरी ये देखो आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लैंड करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बैटरी है उसको डालते हैं। लगी आ जा, दूसरी बैटरी निकालते हैं। आ जा ये तो अच्छी बात है यार, मैं दो बैटरीज लेके आया था। मुझे पता है यार इनकी फ्लाइट यार बहुत बेकार होती है यार, लिटरली 20 मिनट इनकी फ्लाइट टाइम होता है यार। 20 मिनट में क्या होता है, 20 मिनट हुई भी नहीं है यार, कितने हो गए हैं लोग, 15 ही मिनट हो गए यार। राइट देन, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसकी बैटरी अभी चेंज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं पहले। चला एकदम ब्रांड न्यू बैटरी, क्या बात है, लेट्स गो। आ जा बिल्कुल बैटरी के ऊपर, अभी इसको उड़ाओ देखिए। उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कोई बंदा उड़ा रहा है या तो आगे डिस्टर्ब है। लोग गिरा मत दिए, मैंने तेरे को गिरा देना यहाँ पे, अगर तूने ये गिराया है ना तू क्या। तो गाइस अभी लॉग ही फ्लाई कर रहा और ये रहा। गाइस हमारे ऊपर कहां पे लॉगी, वहीं पर वेट करिए रहा। ए रुक के रुक, मेरे सर के ऊपर मक्खियों का डरा बन रहा है यार। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा ड्रोन फ्लाइंग व्लॉग। मुझे मैंने भी नोटिस किया है कि वीडियो के अंदर कुछ जगह ऐसी है जो कि एकदम ब्लरी ब्लरी लग रही है। अभी मुझे बहुत सी
देख रेख करने के बाद पता लगा वो ये है कि गाइस यहाँ पे इतनी ठंड आती है ना कभी कभी, ये देख लो आप ड्रोन के ग्लास के ऊपर थोड़ा बहुत मॉइस्चर लगा हुआ है और ये मॉइस्चर साफ नहीं हो रहा क्योंकि ये मॉइस्चर जो है ग्लास के अंदर है, तो ये मैं पता नहीं इसको कैसे साफ करूंगा। तो तभी मैंने नोटिस किया कि वीडियो थोड़ी बहुत ब्लरी आ रही है, तो चलिए अगर ये साफ नहीं हुआ तो फिर ड्रोन अनबॉक्सिंग का ब्लॉग करेंगे, नया वाला लेंगे। तो चलिए गाइस ये था मेरा ड्रोन अनबॉक्स बड़ा, तो चलिए गाइस ये था मेरा ड्रोन फ्लाइंग ब्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थैंक यू लॉगी एंड थैंक यू टू यू एज वेल ब्रो। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।